सो हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि कौन से ऐसे 4 P's हैं जो मार्केटिंग मिक्स में होते हैं अगर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में हैं तो. उसमें आता है आपका प्रोडक्ट, प्राइस, आपका प्लेस एंड प्रमोशन. ये जो 4 चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप एक अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप कर रहे हैं, आप एक मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, अगर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए. पर अगर आप एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में हैं तो ऐसे और 3 P's हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए. तो इसमें जो सबसे पहला P होता है वो होता है पीपल. अगर आप एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीपल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसमें बहुत से एग्जांपल्स हैं. सबसे पहला अगर है तो रेस्टोरेंट का आप एग्जांपल ले लीजिए. अब रेस्टोरेंट में क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में आज के दिन गए, वहाँ पे कौन से लोग आते हैं, क्या उनका कैसा बिहेवियर है, या फिर एक आप टीचिंग इंस्टीट्यूट का ले लीजिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, मार्केट में जो सेम पोस्ट पर लोग पढ़ा रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन या कितना उनका स्किल सेट है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो अगर आप एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में, अगर आपके पास एक सर्विस रिलेटेड कुछ भी आप सेल कर रहे हैं, तो आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में एक ये भी चीज़ होती है कि आप ये ध्यान रखें कि कौन से पीपल उसमें इन्वॉल्व हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है प्रोसेस. अब आप इसके लिए एक इंटरेस्टिंग सा एक एग्जांपल ले लीजिए. जहाँ पे आप किसी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, उस रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि एक वेटर आपके पास आता है, एक आपको अटेंडेंट आता है, आपको अटेंड करता है. तो ये तो एक पीपल का एग्जाम्पल हो गया कि जो पर्सन है जो आएगा, क्या वो कौन आएगा, क्या वो किस तरीके से बिहेव करेगा, जो भी है वो स्किल्स उसकी जो है, वो एक सबसे पहले पीपल का एग्जाम्पल हो गया. अब मान लीजिए कि आपने कोई एक मेन्यू में से कुछ तो ऑर्डर कर लिया. अब वो जो आप ऑर्डर करते हैं, ठीक है, आप वो आप खाएंगे एंड देन यू गो. आप मान लीजिए कि वही सेम रेस्टोरेंट में आप 15 डेज के बाद जाते हैं, हो सकता है कि आपने वो सेम डिश ऑर्डर की. तो अब यहाँ पे ये हो सकता है कि उनका उस दिन शेफ अवेलेबल ना हो, या फिर वो कोई और बना रहा हो. तो उस प्रोसेस में ना, अगर मान लीजिए कि एक पर्सन नहीं है, तो उससे क्या उनके टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है? नहीं आता है. वहाँ पे जो टेस्ट है वो सेम ही रहता है, भले आपको उससे कोई लेना देना नहीं कि अंदर कौन पका रहा है, क्या कैसे हो रहा है, पर आपको सेम ही टेस्ट एक तरीके से देखने मिलता है. इसके लिए आप बैंक का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री का आप ले सकते हैं. जहाँ पे मान लीजिए कि आप अगर कहीं जाते हैं और वहाँ पे जो पर्सन उस प्लेस पे एक पोजीशन पे होता है वो अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी जो डिफरेंट पर्सन या डिफरेंट नेक्स्ट क्वालिफाइड पर्सन होता है वो आके वहाँ पे आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करा देता है, आपका जो भी टास्क होता है वो कर देता है. ऐसे नहीं होता कि वो आपका जो वर्क है वो रुक जाता है. तो ये एक अच्छे प्रोसेस का ही एक सैम्पल है कि आपका वर्क नहीं रुकता. अगर आपको मान लीजिए अकाउंट खुलवाना है एक बैंक में जाके, तो कोई एक नेक्स्ट पर्सन आएगा, उनके सिस्टम में लॉग इन करेगा एंड देन आपका वर्क जो है वो कर देता है. करेक्ट. आप अगर देखेंगे तो पिज्ज़ा का 30 मिनट्स में डिलीवर होना भी एक अच्छे प्रोसेस का ही एग्जांपल है. इवन अमेज़न का जो सेम डे या टू डे डिलीवरी प्रोग्राम होता है वो भी एक अच्छे प्रोसेस का ही एग्जांपल है. तो प्रोसेस जो है एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उस पर हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. अगर आप एक ध्यान दे रहे हैं पूरे मार्केटिंग के लिए आप देख रहे हैं, तो प्रोसेस पर भी हमें ध्यान देना है. जो नेक्स्ट हमारा पी है जो मार्केटिंग मिक्स का लास्ट पी है हमारा, वो है फिज़िकल एविडेंस. अब आप मुझे ये पूछेंगे कि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में फिज़िकल एविडेंस की क्या ज़रूरत है? पर नहीं, यही सबसे ज़्यादा लोगों से गड़बड़ हो जाती है कि फिज़िकल एविडेंस की ज़रूरत है. अब आप एक होटल का आप एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, एक नॉर्मल होटल, एक 3-स्टार होटल और एक 5-स्टार होटल में आप जैसे ही वॉक इन करते हैं ना, आप डिफरेंस बता सकते हैं. ठीक है, आपको मेन्यू तक भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली उनकी फिज़िकल एविडेंस से ही बता पाते हैं. एक सैलून का नॉर्मल एक एग्जांपल ले लीजिए, आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं. उसमें ना क्या होता है, एक सैलून में उसका एम्बियंस कैसा है, उसका इंटीरियर कैसा है, उसमें लोग कैसे हैं, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ये जो फिज़िकल एविडेंसेज हैं वो बहुत एक तरीके से मायने रखते हैं. तो अगर आप एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो पीपल उसमें रिक्रूट कर रहे हैं, जो लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. नेक्स्ट जो होता है वो आपका होता है प्रोसेस. आपको एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस रखना है, आपको सॉलिड, आपको एक प्रॉपर प्रोसेस आपको डेवलप करना है. अब एक एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर भी दूँ कि हम यहाँ पर बैंगलोर में हैं, बैंगलोर में जो बिरयानी होती है आप ऑर्डर करते हैं तो आपको एक यूनिफॉर्म टेस्ट मिल जाता है. आप यहाँ पर अगर बिरयानी ऑर्डर कर रहे हैं एक जगह से, तो आपको एक यूनिफॉर्म टेस्ट मिल जाएगा. वहाँ पर एक एम्प्लॉय अगर एब्सेंट भी होते हैं ना, तो उससे कोई चेंज नहीं आता टेस्ट में. करेक्ट. तो ये एक अच्छे प्रोसेस का स्ट्रीमलाइन होना ही इसका एक एग्जांपल जो है ये आपका हो जाता है. इसके अलावा फिजिकल एविडेंसेस जो होते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. अगर मान लीजिए कि आप एक कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, वहाँ पे कोई ऑनलाइन ट्रेनर एक दिन एब्सेंट हो जाता है, तो भी आपका जो भी स्टडी प्लान होता है, आपका जो भी प्लान होता है वो नहीं रुकता ना, वो एक तरीके से चलता रहता है. अगर वो ऐसा हो रहा है तो ये एक आपका अच्छा एग्जांपल हो जाता है कि उन्होंने अच्छे से अपना जो प्रोसेस उन्होंने उसको स्ट्रीमलाइन किया हुआ है.
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ भी क्वारीज है, तो हमें कमेंट करना ना भूलें। आप हमें हमारे वेबसाइट के थ्रू भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, फॉलो अस फॉर मोर।